फ्रेंड्स, मैं मीनू आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको परवल आलू की सब्जी बनाना बताऊंगी। ये काफी टेस्टी है और काफी इजी भी है। फ्रेंड्स, इसे आप पराठा के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए हमने 4 आलू लिए मीडियम साइज के। इसे मैंने इतने बड़े टुकड़ों में कट किया है। ये परवल है 1/2 kg, इसे मैंने छील कर और 4 स्लाइस किया है एक परवल का। और ये हमने 3 प्याज लिया है, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। और इसमें मैंने अदरक, लहसुन और किचन किंग, जो मैंने इसकी रेसिपी मैंने पिछले वीडियो में डाला है किचन किंग मसाले का, वो मसाला 2 चम्मच और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इन सबको, और हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच मैंने लेकर सबको मिक्स करके इसमें रखी हूँ, ये ताकि मसाले अच्छे से फूल जाए। ये गरम मसाला है 1 चम्मच, ये टेस्ट के अनुसार नमक है, और ये धनिया पत्ता है। और इसमें तड़का लगाने के लिए, मैं फ्राई करने के लिए, मैंने 2 तेज पत्ते लिए, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच मैं दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 1 चम्मच जीरा लिया है। फ्रेंड्स, इधर कढ़ाई गरम होने रख दिया, कढ़ाई गरम हो गई है और ऑयल भी गरम हो गया, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला हुआ है। अब पहले मैं परवल फ्राई कर लेती हूँ। इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है परवल को, थोड़ा सॉफ्ट होने तक। परवल फ्राई हो गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद मैंने फिर से 2 चम्मच ऑयल डाला हुआ है और ये ऑयल गरम हो गया। अब मैं इसमें आलू फ्राई कर लूंगी, आलू को ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। मीडियम फ्लेम पर आलू पकने तक और ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये आलू भी अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। आलू निकालने के बाद मैंने 2 चम्मच और तेल डाला और ये ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसमें ये लाल मिर्च, तेज पत्ता और 1 बड़ी इलायची और 1 इंच दालचीनी और 1 चम्मच जीरा मैं ऐड करती हूँ। इसमें अच्छे से क्रैकल होने देती हूँ। ये हो गया, अब मैं इसमें प्याज डालती हूँ। प्याज को ब्राउन होने तक भून लूंगी, मीडियम फ्लेम पे प्याज को ब्राउन होने तक भूनूंगी। इसे भून गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया ये। अब मैं इसमें ये मसाले डालूंगी, इसमें किचन किंग मसाला, लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और अदरक का पेस्ट और लहसुन 5 से 6, सबको मैंने पीस कर मिक्स कर लिया है। फुला के इसको रखा था मैंने 5 मिनट के लिए फूलने डाला। अब इसे भून लेती हूँ। प्याज और मसाला भून लिया है, अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी और इसे भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक भून लूँगी। इसमें अब मैं नमक ऐड करूँगी। मैंने परवल में भी नमक नहीं डाला, आलू में भी नहीं डाला, अब भी मैं इसमें टेस्ट के अनुसार, इसके अंदाज से मैं नमक ऐड करूँगी और इसे सॉफ्ट होने तक भून लूंगी। सॉफ्ट हो गया, अब मैं इसे गैस ऑफ कर देती हूँ और ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी और फिर इसे कढ़ाई में डालूंगी। ये अच्छे से स्मूथली पीस गया है, अब मैं इसे इसमें डाल के हल्का फ्राई करूंगी।
पीसा हुआ सारे मसाले को कढ़ाई में डाला और ये अच्छे से हो गया है, भुन गया। अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड करती हूँ 1 चम्मच और इसे 2 बार चला लेती हूँ। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालिए, मैंने 1 ग्लास पानी डाला हुआ है अभी। इसे मिक्स कर लेती हूँ और 1 बॉयल आने देती हूँ। जब 1 बॉयल आ जाएगा फिर इसमें आलू और परवल मैं डालूँगी। ये मसाले अच्छे से बॉयल हो गए हैं, अब मैं इसमें ये भुना हुआ आलू ऐड करूँगी और इसमें मैं ये जो परवल भून के रखा है वो ऐड करूँगी और इसे 2 मिनट के लिए फिर मैं पकने दूँगी। ये काफ़ी टेस्टी है, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत टेस्टी लगेंगे। इसे आप पराठा के साथ, पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बस ये रेडी हो गया है, इसे मैं धनिया से गार्निशिंग कर लेती हूँ। देखिए ये आलू और परवल की सब्जी तैयार हो गई, इसकी मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ अभी।